गाइस आज हम लोग Samsung Tab A9 Plus के कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। वैसे जो मैंने गाइस Tab A9 के लिए वीडियो अपलोड करी थी, जो इसका एक तरीके से आप कह सकते हो छोटा भाई है, उसके फीचर्स और इसके फीचर्स ऑलमोस्ट 98% सेम है। सिर्फ दो ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ Tab A9 Plus में मिलते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो Tab A9 और A9 Plus के फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ गाइस, स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस है, लेकिन फीचर्स जो इंटरनल सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं उनमें ज़्यादा चेंज नहीं है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करेंगे Tab A9 के कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स की। सबसे पहले गाइस आप अगर क्विक पैनल में जाते हो तो यहीं पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स का जिस्ट एक तरीके का समरी देखने को मिल जाती है। लाइक आपको इसमें डेडिकेटेड स्क्रीन रिकॉर्डर दिया गया है, साथ ही में आप देखते हो तो आपको यहाँ पे कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस का एक फीचर देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा डिम है ताकि आप और ज़्यादा डिम कर सकते हो अगर रात में फ़ोन यूज़ कर रहे हो, रात में टैबलेट को यूज़ कर रहे हो। वहीं पे गाइस प्रोटेक्ट बैटरी देखने को मिल जाता है, साथ ही में मोड्स का भी बटन दिया है। वहीं पे एडिट बटन्स में जाते हो तो आपको लाइव कैप्शन, माइक्रोफोन एक्सेस, कलर करेक्शन, डेली बोल्ड, किड्स के लिए भी एक स्पेसिफिक यहाँ पे फीचर दिया गया है। वहीं पे गाइस जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है। और स्पीकर क्वालिटी तो मैं जब इसका अभी 1 month रिव्यू लेकर आऊँगा, 1 से 2 दिन में आ जाएगी वीडियो, उसमें बात करूंगा। फिलहाल डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो गाइज क्वाड स्पीकर्स में अमेजिंग काम यहाँ पे करते हैं डॉल्बी एटमॉस। साथ ही में गाइज सिक्योर फोल्डर, क्रिएट नोट, नियर बाई शेयर, आई कंफर्ट शील्ड जो कि गाइज ब्लू लाइट फिल्टर होता है, लिंक टू विंडोज का फीचर, पावर सेविंग मोड जैसे काफी सारे फीचर्स क्विक पैनल में ही यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के साथ गाइज एक और यहाँ पे फीचर है, वो है यूजर का फीचर। अब ये गाइज मैंने Tab A9 में भी बताया था और Tab A9 Plus में भी मिलता है। ये फीचर बहुत हेल्पफुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि घर में अगर आपके मान लीजिए 2 लोग हैं यूज करने वाले और टैबलेट आपके पास 1 है, तो आप अलग अलग यूजर्स के लिए कस्टमाइज करके प्रोफाइल को रख सकते हो। लाइक यहाँ पे एक प्रोफाइल होगी ओनर के लिए, जिसके नाम या जिसने पहली बार इस पे अपना अकाउंट बनाया होगा, दूसरा होगा गेस्ट के लिए। ये चीज़ आप लॉक स्क्रीन से भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, आपको डायरेक्टली अंदर जाके स्विच करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एक अलग अलग प्रोफाइल सेट हो जाती है, जो सेटिंग्स आपने ओनर पे रखी होगी वो सेटिंग गेस्ट पे नहीं आएगी। साथ ही में गैलरी, स्पेसिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे अलग अलग लगता है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि स्टोरेज आपको सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टोरेज तो एक ही है, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड हो जाती है अलग अलग लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से सभी टैबलेट्स में ये चीज़ होनी चाहिए, और Tab A9 में है, सबसे बजट 8-9 हज़ार रुपये का टैबलेट आता है तो उसमें है, तो यहाँ पे Tab A9 Plus में भी ये चीज़ दी गई और ये बहुत अच्छा और यूजफुल फीचर है। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइस वॉलपेपर्स में अगर जाते हो तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लाइक पहले तो आप कुछ अपने वॉलपेपर्स लगा सकते हो, लाइक कुछ फीचर्ड वॉलपेपर्स दिए गए हैं, साथ ही में ग्राफिकल 4 इंच के बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर्स दिए गए हैं, साथ ही में कलर ऑप्शंस में अलग अलग डिजाइंस देखने को मिल जाती हैं, साथ ही में कलर ऑप्शंस मिलते हैं, उनकी ओपेसिटी, उनका कलर स्टाइल आप सेट कर सकते हो। तो वॉलपेपर्स के लिए भी आपको डिफरेंट कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं। वैसे अगर आप लोग ये वाले जो मैंने वॉलपेपर लगा रखा है ये लगाना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना होगा। मैंने गाइस 20-25 वॉलपेपर्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखे हैं, तो जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और यहाँ पे आपको अमेजिंग वॉलपेपर्स की जी ड्राइव लिंक देखने को मिल जाएगी। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, वो गाइस आपको सैमसंग कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। इसका कीबोर्ड भी मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे गाइस पहले तो आपको स्प्लिट फीचर मिल देखने को मिल जाता है, अगर आप मान लीजिए टाइपिंग नहीं कर पा रहे हो इतने बड़े कीबोर्ड में, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो 2 अलग अलग भागों में, तो कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए टाइपिंग करना। साथ ही में इसमें आपको यूट्यूब का एक्सेस मिल जाता है, तो डायरेक्टली आप यहीं पर यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक को सर्च करके उसकी वीडियो को देख सकते हो। वहीं पर आपको गाइस हैंडराइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली यहीं पर अगर आपके पास स्टाइलस है कोई 200-300 रुपए का, तो उसको यूज करके भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। साथ ही में गाइस आपको मोड सेट करना है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, फ्लोटिंग कीबोर्ड आप सेट कर सकते हो। साथ ही में आपको स्वाइप टच फीडबैक देखने को मिल जाता है, कितना यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, तो ये सब आप सैमसंग कीबोर्ड की इंटरनल सेटिंग्स में कर सकते हो। वैसे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यूट्यूब एक्सेस करना, साथ ही में और भी चीजें हैं उनको आप यहीं पे एक्सेस कर सकते हो। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे नोट्स की बात करेंगे। मैं गाइस टैबलेट्स का जब भी रिव्यू करता हूँ उसमें नोट्स को बहुत ज्यादा फोकस में रखता हूँ, क्योंकि नोट्स आदमी टैबलेट में यूज करेगा ही और वो उसका मेन पर्पस भी है। तो गाइस अगर आप सैमसंग नोट्स में जाते हो तो सबसे पहले आप देखो कुछ इस तरीके से नोट्स को, देखिए नोट्स को सिंपल तरीके से यूज करोगे तो मजा नहीं आएगी, नोट्स खोला कुछ टाइप करके रख दिया। अगर आप गाइस सैमसंग इंटरनेट स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करते हो तो देख सकते हो पूरा वेब पेज की लिंक आपको आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है, सिंपली टैप करोगे और पूरा पेज यहाँ पे आपके नोट्स में आ जाएगा। वहीं पे गाइस अगर आपको कोई चीज़ टेक्स्ट कॉपी करके लानी है तो वो भी इजीली आप कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हो। वहीं पे अगर आपके पास स्टाइलस है तो आप हैंडराइटिंग मोड का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी गाइस इनका एक बीटा फीचर भी है शेयर्ड नोट्स का। अगर आपको मान लीजिए अपने एक नोट्स अपने किसी अदर मेंबर के पास भेजी है, उसके पास भी सैमसंग का ही कोई प्रोडक्ट है, तो आप लोग कोलैबोरेट करके भी उस PDF पे काम कर सकते हो। तो ये भी एक फीचर आपको सैमसंग नोट्स में ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट फीचर आपको गाइस यहाँ पे गैलरी में देखने को मिलता है। आप गाइस किसी फोटो पे जाके उसका एक स्टिकर फॉर्म कर सकते हो, और ये कस्टम स्टिकर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि सर्किल या फिर डायमंड या फिर कोई हर्ट शेप का स्टिकर बना पाओगे, एक सर्कल फॉर्म में
आप सेट कर लो और उसके स्ट्रोक में आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को भी ट्राई कर सकते हो, तो आपका एक कस्टम स्टिकर रेडी हो जाता है। वहीं पे गाइस अगर आप इंटरनल एडिट्स में जाते हो, फोटो एडिटिंग आपको पसंद है, तो अब की बार इसमें कुछ मैंने फीचर्स देखे लाइट येलो ग्लो, ब्लू वॉश और यहाँ पे पॉप आर्ट हो गया, ये सारे फिल्टर्स मैंने नोटिस नहीं किए जनरली M14 या M34 में। वहीं पे आपको ये सिर्फ टैबलेट्स में ही अभी के लिए फिल्टर्स दिए गए हैं। एक और कमाल की चीज़ है गाइज, आपको अगर सैमसंग गैलरी लैब्स के बारे में नहीं पता है तो आपको डायरेक्टली गाइज देखो सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में अबाउट सेक्शन में जाके अगर आप टैप करते हो वर्जन पे तो गैलरी लैब्स इनेबल हो जाएगा। गैलरी लैब्स में कुछ गाइज सेव एज PDF फीचर्स, एल्बम एंट्री लॉक, वर्चुअल एल्बम्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो सेव एज PDF ऑन करोगे तो आप गैलरी ऐप में ही PDF क्रिएट कर सकते हो, और मेरे हिसाब से टैबलेट्स में तो आपको ये फीचर यूज करना ही चाहिए। नेक्स्ट चीज की बात करें तो गाइस यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स आपको देखने को मिलता है, ये मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए टैबलेट्स में। अब मोड्स एंड रूटीन्स में आप गाइस टाइम के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक रात में कैसा रिजोल्यूशन, मतलब रात में कैसा वॉलपेपर सेट होना चाहिए, रात में कौन से फीचर्स एक्टिव होने चाहिए, जब आप सो जाओ तब कौन से सेंसर्स एक्टिव होने चाहिए, जब आप उठ जाओ तब कैसा, मतलब डार्क मोड रहा है या लाइट मोड रहा है, ये सभी आप सेट कर सकते हो। वहीं पे रूटीन्स में जाके आप रूटीन्स बना सकते हो, लाइक अगर आपका बैटरी परसेंटेज 25% आ जाए तो टैबलेट आपको खुद बोलेगा कि भाई अब फोन आप अपना टैबलेट आप चार्ज कर लो। तो ये सब आप यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स में कस्टमाइज कर सकते हो। अब दोस्तों आ जाते हैं कुछ डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले चीज आपको इसमें देखिए अडैप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि गाइस 60-90 Hz के बीच में वैरी करता है। वहीं पे आपको गाइस इसमें स्क्रीन टाइम आउट की बात करें तो 30 मिनट का देखने को मिल जाता है, और टैबलेट्स में मेरे हिसाब से ये यूजफुल है। यहाँ पे आपको एच पैनल्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक आपको एक परमानेंटली इधर बाहर दिखती रहेगी साइड में। इसमें शॉर्टकट्स कुछ दिए गए हैं, लाइक आप जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, किसी को कॉल करना चाहते हो, कंपास देखने को मिल जाता है आपको, लोकेशन, क्लिपबोर्ड, काफी सारी चीजें आपको एच पैनल्स में देखने को मिलती हैं। वहीं पे गाइस आपको डिस्प्ले के अंदर एक और फीचर है, वो है टास्क बार का। ये पहली बार गाइस एंड्रॉइड 13 जब आया था इसमें तभी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे गाइस आपको टास्क बार देखो नीचे देखने को मिलती है, इसमें आप जल्दी से किसी भी ऐप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेन स्क्रीन पे ला सकते हो। चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो, बट ऑन करके रखोगे तो थोड़ी सी मल्टीटास्किंग इजी हो जाती है। वहीं पे इजीली स्प्लिट स्क्रीन में आप उसको ला सकते हो, वहीं पे चाहो तो किसी अदर ऐप को भी आप यहाँ पे पिन करके भी रख सकते हो। परमानेंटली हर जगह आपके टैबलेट में आपको ये टास्क बार शो होती रहेगी, जैसा विंडोज लैपटॉप या फिर किसी भी जनरल लैपटॉप में आपको शो होती है टास्क बार। अगला फीचर गाइस आपको सिक्योरिटी का देखने को मिलता है, वो है गाइस सिक्योर फोल्डर का। ये एक बहुत अच्छा फीचर है, यहाँ पे गाइस आप सेपरेट करके रख सकते हो अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों को और कुछ जनरल चीज़ों को जो आपको पब्लिकली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको गाइस सिक्योर फोल्डर को सेटअप करना पड़ेगा, एक सैमसंग अकाउंट से सिंपली लिंक कर लो और उसके बाद एक पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे चीज़ों को सेट करके रख सकते हो। इससे होता क्या है, आपकी गैलरी सेपरेट हो जाएगी, माई फाइल सेपरेट हो जाएंगी, और ध्यान रहे अगर आप किसी को टैबलेट देते हो यूज़ करने के लिए तो वो आपका सिक्योर फोल्डर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पासवर्ड सेट होता है। एंड बाकी गाइज आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए हो आजकल, तो आपको आई होप पता होगा कि सिक्योर फोल्डर बाकी काम कैसे करता है। ये भी आपको टैब A9 प्लस में देखने मिल जाता है। बाकी आपके कुछ भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। वहीं पे गाइस कुछ मोशन एंड गेस्चर्स हैं, लाइक आपको डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, बार बार पावर की नहीं दबानी पड़ेगी। वहीं पे गाइस अगर आपने इसका कोई कवर ले रखा है या फिर कोई जनरल कवर भी ले रखा है तो अगर आपका कवर इसके ऊपर आएगा ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। वहीं पे गाइस आपको पाम स्वाइप टू कैप्चर का देखने को मिल जाता है, तो फास्टेस्ट वे है मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेने का, तो ये आपको मोशन एंड गेस्चर्स में मिलेगा। एक और चीज़ है गाइस यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर, ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो कंप्लीट आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिलता है। वहीं पे आपको गाइस एक डेली बोल्ड का फीचर दिया गया है। अब डेली बोल्ड सिर्फ टैबलेट्स के लिए है, UI 5.1.1 के लिए, और ये एक्सक्लूसिवली आपको इसी में देखने को मिलेगा। अब डेली बोल्ड में होता यह है कि अगर आपने मान लीजिए अपने टैबलेट को USB केबल के थ्रू कनेक्ट करके रखा है किसी स्टैंड पे, तो एक डेली बोर्ड की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। लाइक सिंपल टैप करोगे, कुछ लिखना स्टार्ट कर दोगे तो वो सेव हो जाएगा, साथ ही में आपको क्लॉक दिखती रहेगी, कुछ लाइट शो ऐसा चलता रहेगा, तो आप उसको एक ऐसा डिस्प्ले की तरह यूज़ कर सकते हो अपने वर्क स्टेशन पे। अगला फीचर भी गाइस एडवांस फीचर्स में है, वो आपको एसेसरीज का देखने मिलता है। अब इस टैबलेट में एक खास बात यह है कि इसमें आप एक्सेसरीज लगा सकते हो सैमसंग की ऑफिशियल। यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हो एक मैग्नेटिक बार दी गई है और कीबोर्ड के लिए सेक्शन भी दिया गया है, तो अगर आप कीबोर्ड इसको कंप्लीट लैपटॉप की तरह यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक्सेसरीज के अंदर ऑटोमेटिक लॉक और ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ, मतलब जैसे ही आप कीबोर्ड ओपन करोगे स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। अब गाइस आ जाते हैं जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सैमसंग ने फर्स्ट टाइम ए सीरीज में इस फीचर को दिया है, वो है गाइस यहाँ पे सैमसंग का डेक्स मोड। अब सैमसंग डेक्स मोड आपको नहीं पता है तो आप एक तरीके से इसको लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस सैमसंग डेक्स का कंप्लीट सपोर्ट मिलता है, चाहो तो इसको आप यूएसबी केबल से चला सकते हो या फिर आप वाईफाई के थ्रू भी अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके भी रख सकते हो। तो इसमें गाइस आपको सैमसंग डेक्स का फीचर मिल जाता है और यहाँ पे आप
इसको कंप्लीटली लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक पूरी टास्क बार देखने को मिलेगी डेडिकेटेड, ऊपर आपका क्विक पैनल ओपन हो जाएगा, साथ ही में ऐप्स फुल स्क्रीन में ओपन होंगे, तो कंप्लीट आपको एक लैपटॉप का ही एक्सपीरियंस आएगा। बाकी अगर आपके पास सैमसंग का ऑफिशियल कीबोर्ड नहीं है तो भी एक तरीका है, आप यहाँ पे कोई वाईफाई वाला जो माउस कीबोर्ड कॉम्बो होता है उसको सिंपली ब्लूटूथ से पेयर कर लो और सैमसंग डेस्क में आप इसको एज अ टैबलेट यूज़ कर सकते हो। बस पीछे के लिए आपको एक कवर लेना पड़ेगा जो कि ये स्टैंड की तरह काम करेगा। तो सैमसंग डेक्स मेरे हिसाब से ए सीरीज में फर्स्ट टाइम दिया है और ये एक अच्छा मूव है। अब दोस्तों जो अगला फीचर है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, वो है गाइस गुड लॉक का। अब इसमें गाइस गुड लॉक का पहली बात कंप्लीट सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये एक ए सीरीज का फोन है, लेकिन इसमें फाइन लॉक के थ्रू आप सभी मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हो। मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा है, सारे मॉड्यूल्स बढ़िया से काम करते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं, अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हो फाइन लॉक को, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैंने डेडिकेटेडली एक जी ड्राइव रिंग बना दी आप लोगों के लिए, उसमें सभी एप्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, बट आपको वहां पे इजीली सब कुछ एक साथ जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो जाओ टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये गाइस कुछ कंप्लीट फीचर्स थे इस टैब A9 प्लस के। मैंने कोशिश करी कि सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर अप हो जाएं, बाकी अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बाकी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में भी मुझे यहां पे बता सकते हो। बाकी आपके कुछ भी सवाल हो तो वो भी आप यहां पे कमेंट में भी चीजें पूछ सकते हो। तो बस गाइस इतना ही था, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।